जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लैब पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 10 अक्टूबर 2019 से गुरुवार का। और दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज इंडिया न्यूज अपडेट्स को लेकर 35 ऐसी बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक करते हुए जानेंगे सभी बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहिएगा। अच्छा, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा ऐलान, दीपावली तक मिलेगी 24 घंटे बिजली। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर प्रदेशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बाजारों की रौनक और अंधेरा दूर करने के लिए योगी सरकार ने जनपदों के साथ सभी गांवों में भी 24 घंटे बिजली यानी कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति देने का ऐलान किया है। आपको बता दें यूपी पावर कॉर्पोरेशन के तहत इसके लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के इंतजाम भी किए गए हैं। दोस्तों वैसे आप कौन से गांव शहर या राज्य में रहते हैं, आपके यहां पर बिजली 24 घंटे आती है या नहीं, दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। तो अब एक क्लिक में ऐसे कर सकेंगे वोटर लिस्ट में बदलाव, बस करना होगा ये छोटा सा काम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन यानी कि बदलाव करना चाहते हैं यानी कि आपके वोटर लिस्ट में नाम से लेकर अन्य कोई गड़बड़ी है, तो आपको उसके लिए किसी भी बीएलओ या फिर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे मात्र एक क्लिक में अपने मोबाइल या लैपटॉप की सहायता से ऑनलाइन ही ये सब बदलाव कर सकते हैं। दरअसल भारत निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के मुताबिक NBS पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन को खोलकर आप मिनटों में संशोधन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों, तो आपको वोटर लिस्ट में बदलाव करने के लिए NBS पोर्टल ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करना और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी एक आईडी जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई भी एक ऐसा आईडी जिससे है कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना, और उसके बाद आसानी से इस एप्लीकेशन से आप अपने वोटर लिस्ट में संशोधन कर सकते हैं। ओके चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 5% तक बढ़ा उनका महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में DA यानी कि महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल DA 12% से बढ़ाकर 17% हो गया है। और आपको बता दें कि इस फैसले से देश भर के 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, वहीं 65 लाख पेंशन धारकों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। अच्छा रुक करते हैं अगले बड़ी खबर की ओर, उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज सवाल की तरफ। तो आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपके अपने चैनल द न्यूज लैब की तरफ से एक माइंड क्विज गिव अवे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सही जवाब देने वाले किसी एक यूजर को मिलता है दोस्तों एक शानदार इनाम। तो आज का माइंड क्विज वाला गिव अवे सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर यानी कि रंग होते हैं। तो जल्दी से जल्दी लिखना है क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज लैब टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक MI का 10,000 mAh का पावर बैंक। जी हाँ दोस्तों, अच्छा अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचारों का ताजा अपडेट। तो दोस्तों वेदर अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर है, देश के कई हिस्सों में आज बारिश के आसार, इन राज्यों में बर्फबारी भी हो सकती है शुरू। जी हाँ दोस्तों, मानसून सीजन भले ही समाप्ति की ओर हो लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश का खतरा अब भी मंडरा रहा है। दरअसल उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की आशंका है, और इसी के चलते बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इन राज्यों में आज गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे, और साथ ही दोस्तों पहाड़ी इलाकों में हिमपात यानी कि भारी से भारी बर्फबारी भी हो सकती है। अच्छा सोशल मीडिया अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों, तो इंस्टाग्राम ने अपने फीचर में किया बदलाव, जानिए क्या नहीं कर पाएंगे अब आप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों बड़े ध्यान के साथ देखना कि फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने अपने एक्टिविटी फीड से फॉलोइंग टैब को हटा दिया है। मतलब फोटो और वीडियो साझा करने के लिए लोकप्रिय माध्यम इंस्टाग्राम के एक्टिविटी फीड में यह पता चलता था कि दोस्तों को कौन सी पोस्ट पसंद आ रही है और किस पोस्ट पर वह टिप्पणी यानी कि कमेंट्स कर रहे हैं और किसे फॉलो कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है, और दोस्तों ये खास जो शानदार फीचर है उसे हटा दिया गया है। अच्छा वहीं दोस्तों मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान आया है दोस्तों कि 5,300 कश्मीरी परिवारों को मिलेंगे 5,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार दे रही है पूरे 5,50,000 रुपए, वो भी सीधे बैंक खाते में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहेगा, केवल 5 मिनट का समय निकाल कर आप दिन भर और देश और दुनिया की सभी तमाम बड़े खबरों के ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और सभी काम की खबरों से अपडेट हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने चैनल न्यूज लैब पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का एक सब्सक्राइब वाला बटन, उसे दबाकर जल्दी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास वाले नन्हे से प्यारे से छोटे से घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर करते रहेंगे, आदान प्रदान करते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें दोस्तों सरकार ने कश्मीर से विस्थापित होकर भारत के कई राज्यों में आप बसे लगभग 5,300 कश्मीरी परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। दरअसल अब इन परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से 5,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों उनके परिवारों का गुजर बसर करने के लिए, उनको विस्थापित करने के लिए, जैसे कि उनका खुद का मकान बनाना हो या कुछ भी करना हो, इसी के साथ दोस्तों उनको जो दूसरी बड़ी योजना है उसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अगर आप भी खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो मोदी सरकार दे रही है पूरे 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर दोस्तों प्राइवेट नौकरी करते करते परेशान हो चुके हैं, आप भी बनना
बढ़ाना चाहते हैं अपने स्वयं के बोझ से, तो यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार ने रोजगार को बढ़ाने के लिए एक विशेष स्कीम निकाली है दोस्तों। खुद का रोजगार यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट को बढ़ाने की एक प्लानिंग निकाली है दोस्तों। मोदी सरकार चाहती है कि अगर एक व्यक्ति नौकरी करता है तो वह स्वयं के परिवार को और खुद को नौकरी देता है, लेकिन दोस्तों अगर वही व्यक्ति खुद का व्यापार करता है तो वह अपने स्वयं के साथ कम से कम 10 और लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नौकरी प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप भी खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की गई है। और दोस्तों 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि जितनी आपको जरूरत है उतनी आप प्राप्त कर सकते हैं मोदी सरकार के जरिए। अच्छा, किसी भी योजना के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, दिवाली से पहले किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में दी गई है ढील। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी खुशखबरी दी है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश भर के सभी किसानों को ध्यान में रखते हुए कि सभी किसानों को दीपावली से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसको तीसरी किस्त पाने के लिए आधार कार्ड को लिंक्ड करवाने की तारीख जो है वो बढ़ा दी है। मतलब किसान अब 30 नवंबर तक अपना आधार कार्ड जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लिंक करवा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस योजना में किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलती है, जो कि दोस्तों 2,000 रुपए महीने की किस्तों में दी जाती है। अच्छा, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों बिहार बोर्ड को लेकर कि इंटर सेटअप की परीक्षा 18 तारीख से होगी शुरू। नियमित एवं स्वतंत्र छात्रों को परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। साल 2020 में होने वाले इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सेटअप परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। दरअसल सेटअप परीक्षा 18 से लेकर 26 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। अच्छा, वैसे दोस्तों अगर आप भी विद्यार्थी है तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप हमें जरूर बताएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है तो 42 करोड़ ग्राहकों को SBI ने दिया है बड़ा झटका। बैंक ने बचत खाते पर ब्याज की दर घटाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक यानी कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में है तो दोस्तों आपको कुछ झटका लग सकता है। दरअसल यहाँ पर बैंक की तरफ से सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी कि बचत खाता ब्याज की राशि उसकी जो रेट है उसको घटाकर 3.25% कर दिया है। मतलब दोस्तों पहले 3.5% की रेट से उनको ब्याज मिलता था, जो कि अब घटाकर 3.25% कर दिया है। और यह नई रेट जो है वो 1 नवंबर 2019 से लागू हो जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, सरकार का एक और दिवाली गिफ्ट आशा कार्यकर्ताओं को होगा डबल फायदा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों और केंद्र कर्मचारियों के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा और शानदार तोहफा दिया है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को राहत देते हुए मानदेय दुगुना कर दिया है। आपको बता दें, इस बदलाव के बाद अब सभी आशा कार्यकर्ताओं को पहले 1,000 रुपए के मुकाबले अब 2,000 रुपए मिलेंगे। और सरकार के इस फैसले से 8 लाख आशा कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। और यह भत्ता दोस्तों जुलाई 2019 से ही मिलने लग जाएगा। मतलब दोस्तों सरकार ने बढ़ाया तो अब है, लेकिन पहले से यानी कि जुलाई 2019 से ही बढ़ी हुई रेट से आपको मिलेगा। और जो बीच का जो पैसा बन रहा है वो एरियर के रूप में आपको दे दिया जाएगा। आपको बता दें, आशा कार्यकर्ता वह महिलाएं होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। और केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के इस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने को हरी झंडी दे दी है। अच्छा, वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको एक बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 अक्टूबर से लगने लग जाएगा 6 पैसे प्रति मिनट का शुल्क। जी हाँ दोस्तों, जियो ग्राहकों को क्यों लेना होगा टॉप अप वाउचर। आज हो गई है 10 अक्टूबर 2019, और आज से अगर आपने जियो में फ्री का रिचार्ज भी करवा रखा है तो भी दोस्तों आपको चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। दरअसल मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के ग्राहकों को दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर कॉल करने पर अब 6 पैसे प्रति मिनट चुकाने पड़ेंगे। और इसके लिए ग्राहक को इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज यानी कि ICU टॉप अप करवाना जरूरी होगा। यह नियम 10 अक्टूबर से पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने 10 अक्टूबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों से 6 पैसे प्रति मिनट का ICU चार्ज लेना शुरू कर देगी। और यानी कि जियो के तहत एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया यानी दूसरी कंपनियों के ग्राहकों को भी यह चार्ज देना होगा। वैसे दोस्तों आप कौन सी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों आप हमें जरूर बताएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह जो चार्ज है वो सभी कंपनियों के नेटवर्क उपभोक्ताओं को देना होगा। अच्छा, वहीं दोस्तों अगर आपके घर पर बेटी यानी कि कन्या है तो SBI ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक में अगर आप भी अपनी बेटी के नाम पर कोई भी स्पेशल खाता खोलना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक आपको मिलेगा 8.40% का मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि स्कीम अभी भी लोकप्रिय बनी हुई है। और यह 10 साल तक की सभी बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से जो मोदी सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गई थी उसमें ब्याज की रेट अभी मिल रही है दोस्तों 8.5% के अप्रोक्स यानी कि 8.40%। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर, तो होंडा की कारों पर 5 लाख रुपए तक का बंपर डिस्काउंट। जी हाँ, फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए कार कंपनियां इन दिनों जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। आपको बता दें, होंडा की कारों पर 5 लाख रुपए तक की बंपर छूट मिल रही है। तो अगर आप भी दोस्तों मारुति डिजायर की कार में आने वाली इस कार पर 42,000 रुपए तक से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक का बंपर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों रेलवे को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रेलवे की नई
सुविधा। अब सामान चोरी होने पर चलती ट्रेन में कर सकेंगे FIR। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार करोड़ों रेल यात्रियों को बड़ी परेशानी देने के लिए और आसान करने जा रही है। दरअसल मामला यात्रियों को उनके सामान की सुरक्षा करने से जुड़ा है। आपको बता दें, यह खबर इसके लिए भी जरूरी है और बहुत काम की है कि रेलवे की इस नई सुविधा के तहत आप चलती ट्रेन में चोरी या फिर स्नेचिंग की वारदात होने पर FIR दर्ज करवा सकेंगे और 10 अक्टूबर से यात्री सुविधा का खास रूप से फायदा भी उठा पाएंगे। दरअसल इसके लिए GRP की तरफ से एक अलग ही एप्लीकेशन तैयार करके रेलवे की तरफ से बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ दोस्तों आज की 35 बड़े खबरों के अपडेट्स बुलेटिन को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक नई और काम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज लैब पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।